क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनिक्स करंट के बारे में पढ़ेंगे। ये पहली वीडियो है हमारी इस चैप्टर संबंधित। तो विद्युत क्षेत्र विद्युत धारा यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स करंट क्या है हमारे जो जीवन में, यानी विद्युत जो धारा जो बिजली विद्युत जो हमारे काम आती है वो ही है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा चैप्टर शुरू करने से पहले जो इससे तुलनात्मक शब्द है वो है ऊष्मा धारा, जिसे हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत बार होती है। तो हम शुरू करते हैं ऊष्मा धारा से, शुरू करते हैं कि ऊष्मा धारा है क्या वास्तव में। ऊष्मा धारा और धारा विद्युत धारा में कोई फर्क नहीं है ज्यादा। तो ऊष्मा धारा, ऊष्मा क्या है कहा जाता है, ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप। ऊष्मा धारा का अर्थ है कि ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह है कि दर, प्रवाह यानी बहना, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना, ये तो प्रवाह का अर्थ हो गया। दर क्या यानी समय के साथ, दर का मतलब है समय टी के साथ, कि एक अंक समय में यानी एक घंटे में कितनी ऊष्मा प्रवाह हुई वो ऊष्मा धारा हो गई एक घंटे के प्रति। दो घंटे में कितनी हुई तो दो, हमें क्या लेना है समय के सापेक्ष लेना है, समय का भी क्या देना है महत्व देना है कि एक घंटे में कितनी धारा जा रही है, बराबर औसत ज्ञात करनी एक तरीके से समय के सापेक्ष। तो इसमें समय का भाग दे दें ऊष्मा की प्रवाह, ऊष्मा प्रवाह अपॉन समय। तो ये तो ऊष्मा धारा की डेफिनेशन होगी, लेकिन ऊष्मा प्रवाह किस दिशा में होता है, किस चीजों पर डिपेंड करता है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मान लीजिए हमारे पास क्या एक बर्फ, बर्फ है, बर्फ क्या होती है ठंडी, हमें पता है ठंडी है। अब मान लीजिए वो बर्फ हम वाला जो कटोरा है जो फ्रिज में रखा हुआ था वो उसको बाहर निकाला, बाहर निकाला और एक कमरे में रख दिया, गर्मी का टाइम है, समय है हमारा, तो उसको हमने रखा रखा। तो क्या होता है कि जो बर्फ है वो क्या धीरे 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 पिघलने लगती है। मान लीजिए आपने कमरे को रखा तो बर्फ को छुआ तो बर्फ हमें ठंडी लगी, और कमरा जैसे हमारा टेम्परेचर कमरे का टेम्परेचर कह सकते हैं कूल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बर्फ ठंडी है, वो बर्फ धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर हम को कमरे में किताब पर रखते हैं, कमरे में रखते हैं, तो बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है धीरे धीरे पिघलने लगती है। फिर वो एक टाइम आता है कि बर्फ पूर्ण पानी में चेंज हो जाती है, फिर हम पानी को छूते हैं तो पानी ठंडा लगता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम समय बदलता रहता है, चेंज होता है समय के साथ, क्या होता है वो बर्फ ऐसी लगती है कि न तो ये ठंडी है न गर्म है। क्यों? उसका टेम्परेचर किसके इक्वल हो गया, मतलब टेम्परेचर कह सकते ऊष्मा है जो ऊर्जा है वो उस कमरे के ताप के जो एकांक जितना उसका अनुपात है वो लगभग सेम हो गया, टेम्परेचर कह सकते हैं सेम हो गया, टेम्परेचर सेम। अब आता है टेम्परेचर क्या है, ताप ही हमें क्या बताता है, ताप क्या बताता है हमें, टेम्परेचर और उदाहरण देख सकते हैं। टेम्परेचर क्या बताता है, टेम्परेचर कुछ नहीं है, टेम्परेचर इज एक वस्तु है, कोई निकाय है, पिंड है, कोई भी चीज हो उसका एक क्या है गुण। टेम्परेचर क्या है, गुण है, प्रॉपर्टी है, क्या है गुण है कह सकते हैं, विशेषता है। जैसे राम चलाक लड़का है तो चलाक उसकी विशेषता है, राम ईमानदार है तो ईमानदार है उसकी विशेषता है। उसी प्रकार ये टेम्परेचर है उस वस्तु का क्या है, गुण है, विशेषता है। तो विशेषता कैसी है, ये विशेषता हमें क्या बताती है, ईमानदार है मतलब बेईमानी नहीं करता, कोई चीज उसकी नहीं है वह रहेगा। चलाक है मतलब बुद्धिमान है, कोई गलत वह अपनी जो भी कोई समस्या आती है उसे आसानी से हल कर पाएगा, ये चलाक के बारे में बताता है कि ऐसी समस्या को हल करेंगे, कर देगा वो, मुश्किल समस्या हो तो उसे कह सकते हैं चलाक है। इंटेलिजेंट है, कोई क्वेश्चन को हल करे तो कह सकते हैं इंटेलिजेंट है। तो ये चीज है कि गुण है लेकिन बताता है क्या, टेम्परेचर किसी वस्तु का गुण है जो क्या बताता है, जो बताता है कि वस्तु की गर्म है या ठंडी है। तापमान वस्तु का वह गुण है, वह विशेषता है या वह प्रॉपर्टी है जो यह बताता है कि वस्तु गर्म है या ठंडी है, कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, यह सब बताता है हमें कि गर्म है भी या नहीं भी, ये भी बता सकता है। तो ये टेम्परेचर एक गुण है जो हमें बताता है कि आभास कराता है कि वस्तु वास्तव में गर्म है, कितनी गर्म है, ठंडी। अब बर्फ है, जो बर्फ हमारे पास थी वो ठंडी लगी क्योंकि टेम्परेचर उसका क्या था, कम था, टेम्परेचर ने बताया
अगर हम बताते हैं उसका टेम्परेचर कम है 0 डिग्री सेल्सियस है और हमारा जो मानते हैं 36 डिग्री सेल्सियस है तो जाहिर सी है ये क्या है, कम है। कम का मतलब ये क्या है, ठंडा। कम होगा तो ठंडा होगा, तो ये कम 0 डिग्री सेल्सियस से ही कोई चीज़ है हमें बता दी, बर्फ़ हो या ना हो, तो हम समान्य से कह सकते हैं कि वो ठंडी है। ये क्या बताएगा, टेम्परेचर बता देगा। अब कोई वस्तु 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो सीधा सा बता देगा कि ये गर्म हो सकती है, अगर जल की बात हो। अगर किसी अन्य चीज़ का हो 100 डिग्री सेल्सियस में भी ठंडी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन वो बता देगा कि वो ठंडी है गर्म। तो ये चीज़ करेगा तापमान। अब ताप क्या करता है, यही बताता है कि ऊष्मा प्रवाह किस दर में किसकी ओर जाएगा। अब कमरा है, सामान्यतः कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है वो वैज्ञानिक दृष्टि, लेकिन ये 40 आज गर्मी का है, अगस्त जुलाई अगस्त में क्या होता है ये 40 के आसपास पहुंच जाता है, 40-44, तो 40 मानते हैं हम नॉर्म। अब तो बर्फ़ का टेम्परेचर, जो बर्फ़ रखते हैं वो ठंडी हो जाती, जमती है, बर्फ़ का जमना 0 डिग्री सेल्सियस पर मानते हैं। तो बर्फ़ का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। क्या है बर्फ जो हमारी, वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस होगी। और जो कमरा है वो क्या है, लगभग हमारा मान सकते हैं 46 डिग्री सेल्सियस से पे। अब बर्फ को कमरे में रखा, बर्फ पिघल जाती है, धीरे धीरे पिघलती है, और एक ऐसा समय आता है कि बर्फ और कमरे के ताप में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्या कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। अब कमरा बहुत बड़ा है तो उसका जो क्या होता है कि कमरे से जो बर्फ है वो पिघलती है। क्यों पिघलती है, क्योंकि उसको ऊष्मा या ऊर्जा मिलती है तभी पिघलती है, क्योंकि ऊष्मा मिलती है तभी ये बर्फ पिघलेगी, धीरे धीरे ऊष्मा बढ़ेगी और क्या होगा, इसका तापमान ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका कारण क्या है कि जो ऊष्मा प्रभाव है, ऊष्मा जिस तरह से गति जाएगी वो कहाँ से जाएगी, कमरे से बर्फ की ओर जाएगी। तो उच्च ताप वाली वस्तु कमरे से, अर्थात ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है, ये हमने इस माध्यम से देख लिया। अब इस पानी का कुछ समय बाद 40 डिग्री सेल्सियस के आस तापमान हो जाएगा लगभग इसके आसपास, और कमरे का तापमान वैसे घटना चाहिए कि उसने ऊष्मा दी है, लेकिन घटता नहीं, क्योंकि कमरा बहुत ही बड़ा है और ये आसपास के प्रवेश से भी क्या लेता रहता है, ऊष्मा लेता रहता है। तो ये कमरे का तापमान चेंज नहीं होगा, अगर हम बाहरी वातावरण को रोकेंगे तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, काफ़ी कम चेंज होगा, कम होगा अगर हमने बाहरी वातावरण को रोक लिया पूर्णतः। तो ये हमने देख ली। अब कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई वस्तु को हमने बर्फ को छुआ, वो ठंडी लगी, क्यों लगी, क्योंकि हमारा टेम्परेचर वस्तु किस बर्फ से क्या है, कम है। तो हमारी ऊर्जा किस में जाएगी, बर्फ को हो जाएगी। तो हमारी ऊष्मा है, जो ऊर्जा है वो क्या हो रही, कम हो रही ऊष्मा, तो हमारी गर्मी कम हो रही है, तो हम क्या होगा, हमें महसूस होगा ठंडा, यहाँ ऐसी वस्तु को छुआ यहाँ ठंडा। अब हम गर्म वस्तु को छूते तो उसकी वहाँ से ऊष्मा हमारे जो हाथ को छूती है तो उससे ऊष्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो हमें क्या होती है, जलन महसूस होती है, गर्म लगता है। तो ये टेम्परेचर बताता है। तो अर्थात ऊष्मा का प्रभाव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। कोई वस्तु है उच्च ताप वाली है, उसमें निम्न ताप वाली वस्तु की ओर डालें, जैसे मान लीजिए कोई सर्दियों में हम नहाते हैं तो एक गर्म पानी एक ठंडा पानी, अगर ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाएं, गर्म पानी में ठंडे पानी को मिलाएं, तो ऊष्मा है वो गर्म पानी वाले से ठंडे किसकी ओर जाएगी, ठंडे पानी में जाएगी। तो ये सब कुछ है ऊष्मा प्रवाह। तो ऊष्मा धारा क्या है कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तु की ओर होता है। और ऊष्मा प्रवाह की दर जो मतलब सेकंड समय के प्रति एकांक समय में जितनी ऊष्मा प्रवाह होती है उसे ऊष्मा धारा कहते हैं। यही है हमारा करंट क्या है, करंट इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की धारा है कि जो चालक है यानी विद्युत है, जो चालक पदार्थ होता है, चालक क्या होता है जिसमें धारा बहती है उसे चालक कहते हैं। तो चालक है जो चालक पदार्थ है उसमें क्या होता है, चालक में आवेश का प्रवाह कह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, चालक में आवेश का प्रवाह है उच्च विभव से
क्या होता है? निम्न विभव की ओर होता है, निम्न विभव की ओर होता है। जो आवेश है, जो चार्ज है आवेश, उसका प्रभाव क्या कहाँ से होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे हम? विद्युत धारा कहेंगे। ये तो विद्युत धारा कह दिया हमने, कोई हम सब चीज एक एक टॉपिक जो शब्द आता है इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करने में, कि जो चालक में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम? विद्युत धारा कहेंगे। और जो डायरेक्शन होगी जिसे कहते हैं दिशा, जो क्या होगी वो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या जाएगी धारा, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन की गति है उसके विपरीत विपरीत, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे उसके क्या है विपरीत दिशा में धारा बहेगी। ये सब देखेंगे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों जा रही है धारा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्यों जा रही है, विभव के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा क्यों है धारा की, धारा जिसे दिशा होने के बाद भी क्या कहेंगे अदिश, बिना दिशा वाली धारा की दिशा है बता दी हमने इलेक्ट्रॉन के विपरीत है, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे अदिश यानी बिना दिशा वाली, ये भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, पहला चीज जो आती है विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए वो आता आवेश चार्ज। आवेश चार्ज पहला जो टॉपिक आता है आवेश आता है, भले ही हमारे टॉप सिलेबस में न हो आवेश, लेकिन हमें उसके बारे में जानना अति जरूरी है, तभी तो हमने डेफिनेशन समझा पाए। आवेश क्या है? आवेश कुछ नहीं है, गुण है, एक गुण है। कैसा देखते हैं, जब हम छोटे होते हैं बच्चे होते हैं तो हमें यह बताया जाता है कि स्केल को हम अपने सूखे बालों में फेरते हैं तो वह क्या करता है, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। ये प्रयोग किया है, यही हमने कांच जो प्लास्टिक के कंघे के साथ भी किया है, तो यही रिजल्ट आता है। और क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास प्लास्टिक का स्केल नहीं होता, वो लो उनके पास क्या होता है लो का स्केल, तो वो लोहे के स्केल्स को अपने सिर में करके फिर वो प्रयोग करते हैं तो वह प्रयोग नहीं होता। ये चीज़ हमने देखी, ये सब कुछ है आवेश को बनाएगा। जैसे हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, घर्षण के बारे में पढ़ा कि ऐसे वस्तु को रगड़ा जाता है तो ये फ्रिक्शन है, क्योंकि एक वस्तु ये फर्स्ट वस्तु है, ये सेकेंड वस्तु है, तो फर्स्ट वस्तु सेकेंड वस्तु को पीछे की ओर धकेल रही है, सेकेंड वस्तु फर्स्ट वस्तु को ओर धकेल रही। जैसे ही हम स्केल को अपने बालों सूखे बालों में रगड़ेंगे तो ये घर्षण होगा, घर्षण से क्या आ जाएगा उसमें एक गुण आएगा, वो क्या है आवेश है, वो गुण क्या आवेश यानी चार्ज है, वो गुण क्या है आवेश है चार्ज। ये गुण क्या कहते हैं इसको पहले डिफाइन करते हैं, आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु या निकाय या पिंड का एक गुण प्रॉपर्टी विशेषता है जो दूसरी वस्तु को या तो अपनी ओर खींचेगा या उसे वस्तु को दूर धकेलेगा, या तो आकर्षित करेगा या उस वस्तु को प्रतिकर्षित करेगा, ये दो काम करेगा। क्या करेगा? आवेश आवेश वह गुण है, आवेश पिंड का वह गुण, पिंड का वह गुण क्या है? वह गुण जो दूसरी वस्तु को, दूसरे पिंड को कह सकते हैं, निकाय वस्तु ही होता पिंड, तो दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है या दूसरी ओर क्या करता है प्रतिकर्षित करता है, ये बात। पिंड का वह गुण जो दूसरी पिंड का वह गुण जो जिसके कारण पिंड दूसरी वस्तु को या तो अपनी ओर खींचेगा या उसे अपनी ओर अपने से दूर फेंकेगा, यह गुण है आवेश। तो यही हम देखते हैं, जैसे स्केल को हम अपने सूखे बालों में फेरते हैं तो क्या होता है, जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं प्लास्टिक का स्केल है तो वो आकर्षित होते हैं स्केल की ओर होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, तो ये क्या है आवेश, आवेश आ गया। घर्षण के कारण वस्तु पर आवेश आता है, आवेश दूसरी दोनों वस्तुओं पर भी आ सकता है और एक वस्तु पर भी आ सकता है इसे निकाय में, लेकिन घर्षण से उन दोनों वस्तुओं पर आवेश आएगा,
सो आवेश विपरीत प्रकृति अलग अलग होगा, उल्टा होगा, मतलब दोनों का। ये बात पिंड, ये पिंड फर्स्ट है, इस पर क्या है आवेश है यानी वह गुण है, दूसरे वस्तु पर वह गुण हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये हम नहीं बता सकते, यानी इस पर गुण है जिसके कारण ये आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। मान्यता माने कि दोनों पर गुण है तो आकर्षित कर सकते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब दो शब्द है आकर्षित और प्रतिकर्षित, इस इन्हीं के कारण आवेश है, जो चार्ज है वो क्या है, टू टाइप माना गया। चार्ज को कितना माना गया, टू टाइप माना गया है। एक तो फ्रैंकलिन ने कहा था, फ्रैंकलिन वैज्ञानिक था, एक फ्रैंकलिन, इसने कुछ नहीं कहा कि टू टाइप चार्ज, चार दो प्रकार का है, एक चार्ज जो आकर्षित करेगा, दूसरा चार्ज जो प्रतिकर्षित गुण को दर्शाएगा इसके सापेक्ष, क्योंकि ए वस्तु है, ए वस्तु के सापेक्ष दो वस्तु रखी गई है, एक तो बी और एक सी, इसको क्या करता है आकर्षित करता है, इसको क्या करता है प्रतिकर्षित करता है, तो इन पर भी जो विशेषता इनके आधार पर, क्योंकि ये सेम वस्तु इनके सापेक्ष ये देखेगा आकर्षित किसको करता है प्रतिकर्षित करता है, इसके आधार पर इन्हें दो भागों में बांट दिया गया है, टू टाइप, एक पॉजिटिव कह सकते हैं धनात्मक धनावेश यानी धनात्मक, जिस पर प्रोटॉन, नेगेटिव कह सकते हैं ऋणावेश। ये तो हमने बता दिया कि पॉजिटिव या नेगेटिव ये बताएगा। अब इस वस्तु का जो गुण है उनमें से एक होगा, ये फ्रैंकलिन ने कहा। अब फ्रैंकलिन ने यह भी कहा कि पॉजिटिव क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, कहना मतलब है क्या कि दो पहलवान है तकड़े तकड़े, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, नफरत करेंगे, धकेलेंगे, ये तो है नहीं कि वो पेयर करें, लेकिन अलग अलग गुण के दो व्यक्ति हैं उनमें दोस्ती हो सकती है, अच्छी दोस्ती होगी, टूटे ये बात है, क्योंकि वो एक दूसरे में कमियां नहीं निकालेंगे। प्रतिकर्षण का मतलब साम सेम सेम है, वो एक साथ एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलने की कोशिश करेंगे, ये भी प्रतिकर्षण का कारण, ये पॉजिटिव है। जैसे कि सिंपल सा उदाहरण है जो नहीं बताऊंगा, नेगेटिव भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि सेम है, एक दूसरे को अपने पास रखना नहीं चाहेंगे। अब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, ये अपनी ओर आकर्षित करेंगे यानी विपरीत लिंगी, और नेगेटिव पॉजिटिव है आकर्षित करेंगे। सामान्यतः जो प्रयोग हुआ है हमने किया कि इसी पर, कि जो बच्ची, जो पिता होता है और माता होती है, पिता माता, जो पिताजी है सामान्यतः पिता फादर, वो अपने पुत्र से ज्यादा प्यार करता है, जितना के तुलना में अपने पुत्र की तुलना में सामान्यतः अपनी पुत्री से ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि ये दोनों विपरीत लिंगी है, अर्थात दोनों में जो चार्ज का डिफरेंस है वो अलग है, तो ये दूसरे को आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, तो ये एक इसी प्रकार जो मम्मी है, माँ है, वो लड़के को ज्यादा प्यार करती है, तो ये चीज है पर आकर्षण को दिखाएगी, लेकिन एक से पिता अपने लड़के को कम करता है, तो इसका मतलब प्रतिकर्षण मम्मी लड़की को। ये सामान्यतः है, एक पूरे वर्ल्ड पर जब निष्कर्ष निकाला जाएगा बहुत अधिक संख्या पर, तो ये आता है सामान्यतः। तो यही चीज़ है कि सेम सेम को, समान समान को अलग भगाएगा, और विपरीत अलग अलग है उनको अपनी ओर लाएगा। मतलब अगर एक कंप्यूटर है, अब कोई भी काम करते हैं तो दो काम एक समान काम करने वाले एक दूसरे से क्या करेंगे, थोड़ा अलग लगाव करेंगे, इसी प्रकार ये आवेश करते हैं। तो आवेश के बारे में हमने जान लिया कि दो प्रकार के हैं, धनात्मक ऋणात्मक। अब हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा है और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है, प्रोटॉन यानी धनावेश और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेश, यही कह सकते हैं। लेकिन जो आवेश का जो मूल कारण है, किसी वस्तु में आवेश है, गुण है, जो आवेश का गुण आता है वो किसके कारण आता है, वो हमारा आता है इलेक्ट्रॉन के कारण, आवेश का कारण इलेक्ट्रॉन, आवेश का कारण है भाई इलेक्ट्रॉन। तो हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया कि दो प्रकार की हैं, तो आवेश की अब विद्युत क्षेत्र की जो धारा है दिशा देखेंगे, विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा की डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक्स क्वांटिटी, विद्युत धारा के डेफिनेशन क्या है, किसी भी विद्युत परिपथ में
किसी भी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से एकांक समय में एक सेकंड में एकांक समय में एक गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा है, अर्थात किसी भी विद्युत परिपथ में एक सेकेंड एकांक समय यानी सामान्यतः एक सेकेंड लेते हैं, एकांक समय में प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ा इसको क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा है। प्रवाह की दर नहीं, जो दर शब्द आया वो एकांक क्षेत्र के कारण प्रति सेकंड की दर में लिया गया है। अब मान लीजिए जो आवेश है उसको किससे व्यक्त करते हैं, मान लीजिए क्यू आवेश क्या है, क्यू आवेश टी समय में किसी परिपथ में समय में क्या होता है, प्रभावित होता है। टी समय में किसी परिपथ में क्यू आवेश प्रभावित होता है। क्यू आवेश आवेश का जो मात्रक है, यूनिट है, मात्रक यानी जिसमें हम मापते हैं, मतलब किसी वजन को शक्कर है उसको किलो में तोलते हैं, दूध को लीटर में तोलते हैं, उसी प्रकार आवेश को जिसमें मापते हैं वो है कूलाम। क्या है कूलाम, ये वैज्ञानिक है कूलाम, जिसे सी से लिखते हैं, कैपिटल अक्षर सी से। तो कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम था जिसके आधार पर इसे सी से लिखते हैं। समय को सामान्यतः सेकेंड में लिखते हैं, मिनट में भी दिया हो सकता है लेकिन हम सेकेंड का यूज करें। तो आवेश प्रवाह की दर है। तो धारा को किस सिंबल से व्यक्त करें, धारा को आई से व्यक्त करते हैं, धारा एल को एडेंट। तो ये तो हो गई। अब धारा है उसका जो सूत्र है, फॉर्मूला क्या होगा, आवेश प्रवाह की दर एकांक सेकंड में, मतलब प्रवाह की दर है वो क्या है, क्यू बटे टी यानी आवेश बटे समय जितना आवेश जा रहा है उसमें किसका भाग दे दें, समय का भाग दे दें। तो ये तो इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि क्यू पॉन टी यानी टी का मान जब एक रखेंगे तो क्या आ जाएगा, टी बराबर एक क्यू, आई बराबर क्यू आ जाएगा, टी बराबर हमने क्या रखा एक सेकेंड, तो आई बराबर क्यू ये आ गया। तो इसका मतलब एकांक समय में एक सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या है, आवेश की मात्रा एकांक सेकंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या है, धारा, ये हमने बताया। तो ये तो हो गई है, लेकिन क्या होता है कभी धारा जो मात्रक ज्ञात करते हैं वो चालक में क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉन ही आवेश होते हैं जो चालक में। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मान लीजिए किसी टी टाइम में अन इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, गुजरते हैं चालक विद्युत परिपथ में, अन इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो क्यू जो आवेश क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में हमने पढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, ई होता है, ई 1.6×10^19 कूलाम, ये आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। लेकिन अन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो अन इंटू ई यानी अन ई आवेश होगा, तो अन इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश एनी होगा। इस फॉर्मूले से क्या होगा, आई क्यू पॉन टी, क्यू का मान एनी एनी पॉन, ये हमारा हो गया इसके बारे में दूध धारा के इलेक्ट्रॉन में सूत्र हो गया, इलेक्ट्रॉन का ई का मान 1.6×10^-19 कूलाम के रूप में। अब जो विद्युत धारा का किसमें मापन करते हैं ये देखेंगे कि विद्युत धारा का मापन किस चीज में करते हैं, मात्रक क्या है, इसकी यूनिट क्या है। तो विद्युत धारा की जो मात्रक है जिसे यूनिट कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है यूनिट। तो यूनिट आई फॉर्मूला क्या होता है, आई बटा क्यू पॉन टी, आई जो आवे क्यू सॉरी क्यू यानी आवेश होता है यानी चार्ज होता है,
टी यानी समय होता है, जो क्यू आवेश का क्या जो मात्रक होता है वो हमने बताया था आपको कि कूलाम है, जिसे क्या लिखते हैं सी, कैपिटल सी से, समय टी जिसे सामान्यतः सेकंड में मापते हैं आईएस पद्धति में, जो हम पढ़ेंगे और उच्च कक्षा में इसे व्यापक पढ़ेंगे तो सेकंड, तो क्या हो गया कूलाम भाग में समय क्या है सेकंड, कूलाम भाग में, और जो भाग होता है उन्हें क्या करते हैं प्रति करते हैं, प्रति कहते हैं, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं प्रति, कई प्रकार से लिख सकते हैं, जो भाग होता है डिवाइड होता है उसे प्रति कहते हैं, प्रतिशत यानी सो उसमें भाग है, तो ये शब्द है इसी प्रकार इसमें क्या है कूलाम प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक हो गया, ये भी इसकी यूनिट है, ये भी इसकी यूनिट है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कूलाम और सेकंड इनवर्स, क्यों जैसे ए अपॉन ए बटे है, इसको ए बटा ए ही है ये, तो ए बटे ए को क्या लिखते हैं ए इनवर्स लिखते हैं, ए इनवर्स इसी प्रकार इसको लिखा है ये ए इनवर्स, माइनस की ये घात है इस पर, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सेकंड है, सेकंड को किस प्रकार लिखते हैं सेकंड का मात्रक सी और समय का मात्रक सेकंड एस, कैपिटल एस है कूलाम सेकंड, इसको इस प्रकार लिख सकते कूलाम प्रति सेकंड, और इसमें लिखे सी और सेकंड इनवर्स, और इसको कुल रूप से लिखते ए से बड़ा ए, जिसे क्या कहते हैं एम्पियर, एक वैज्ञानिक था जिसने विद्युत धारा के बारे में खोज की थी, एम्पियर के नाम पर ए, ये इसका क्या होगा मात्रक हो गया कूलाम, कूलाम अपॉन प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम सेकंड इनवर्स और एम्पियर ए, इसे लिखते हैं, और इसके कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं मिली, अब मिली लीटर के बारे में पढ़ा होगा वही मिली लीटर है, अब मिली एम्पियर शब्द लिखना है मिली एम्पियर, मिली लीटर मिली सेकंड के बारे में हमने सुना है मिली, मिली सेकंड, मिली सेकंड के बारे में सुना है जिसमें क्या होता है 10^-3 सेकंड हो, उसे मिली सेकंड कहते हैं, तो इसी प्रकार मिली एम्पियर यानी मिली का अर्थ है 10^-3 और एम्पियर का एम्पियर अर्थ है, ये भी आप 11th क्लास में पढ़ेंगे फिजिक्स में, और एक माइक्रो, माइक्रो एम्पियर ये इसकी क्या है एक छोटी यूनिट है एम्पियर 10^-6 ए, तो -6 का मतलब है माइक्रो म्यू, तो ये तो माइक्रो किसको दर्शाता है 10^6 को माइक्रो दर्शाता है।